वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जीने की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम साना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, प्रवीण कुमार जैन, मनीष आशीष नितिन, फर्म जैनम ग्रुप अहमदाबाद। वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिने की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम साना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, प्रवीण कुमार जैन, मनीष आशीष नितिन, फर्म जैनम ग्रुप अहमदाबाद, निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद। अनंत काल बीत गया, इस जीव को बाहर में सार ढूंढते ढूंढते कुछ तो पूंजी मिल जाए, कोई संपदा मिल जाए, कोई अपना सा मिल जाए, कोई महत्वपूर्ण वस्तु हाथ लग जाए, लेकिन आज तक नहीं लगी। होती तब तो लगती ना। समय में ही सार है, समय का ही सार है। समय यानी आगम, जेनागम का सार क्या है, समय सार है। समय यानी आत्मा में ही सार है, समय सार है। समय को जिसने खो दिया असार हो गया,
जिसने समय को पा लिया, सारभूत वस्तु तत्व को प्राप्त कर लिया। भवी जीवों, ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, यह ग्रंथ नहीं है, यह निरग्रंथ की अनुभूति है। आचार्य भगवत पाद कुंद कुंद स्वामी आज से 2000 वर्ष पूर्व हुए, जिन्होंने बियावान जंगलों में रह करके कभी वृक्ष के तल, कभी झरनों के पास, तो कभी शैल शिखर पर जाकर के तप तपने वाले महातपस्वी महायशस्वी कुंद कुंद स्वामी ने अपनी अंतर की अनुभूति को हम जैसे पतित जीवों को पावन करने के लिए समय सार जैसे महान ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया, ताकि हम भी जान सके, ताकि हम भी जा सके वहाँ तक जहाँ कुंद कुंद स्वामी गए हैं। आज लोग पूछते हैं, कहाँ है वो कुंद कुंद स्वामी, कैसे है वो कुंद कुंद स्वामी, जरा बताओ हमें कैसे थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे। मने कोने श्री कुंद कुंद के वाहशे, मने कोने श्री कुंद कुंद केवा हसे निशु करता हसे, केवा हसे निशु करता हसे, मने कोने श्री कुंद कुंद केवा हसे। क्या करते थे बताओ ना वो, आखिर क्या करते थे ऐसा कि उन्हें अंतर का जगत दिखाई देता था, बाहर की आंखें बंद रहती थी और भीतर का जगत दिखाई देता था, और भीतर में जा करके बाहर में आ करके वह परिमार्जन करके अपने पीछे से नुकीले पत्थर को उठा करके ताड़ पत्र का परिमार्जन करके, नहीं थी सुविधाएं कि लैपटॉप कर लो इसके अंदर, हाँ लिख लो, नहीं कुछ नहीं था, कोई मशीन नहीं थे, कोई यंत्र नहीं थे। पीछे से परिमार्जन करके नुकीले पत्थर को उठाते, ताड़ पत्र का परिमार्जन करते, आगे पीछे, ओ एक धूप योगी संत, हम पतित जीवों को पावन करने के लिए इतना पुरुषार्थ कर चुके ताकि हम पावन हो सके और जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रवण कर सके, पढ़ सके, इसके लिए उन्होंने इतना पुरुषार्थ कर दिया, और हम पापी पतित अनजान अपने आप को बर्बाद करने पर तुले, हम कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है, हमारे पास में समय नहीं है। समय के लिए समय नहीं है तो किसके लिए समय है। समय यानी आत्मा, समय यानी जिन आगम जिन शास्त्र, उसे भी समय कहते हैं। समय का अर्थ काल भी है, जिसको आप कहते भैया समय हो गया जल्दी से क्लास में जाना है, समय के कितने अर्थ हैं, पर सारे समय का सार तो आत्मा है, मैं आत्मा। अगर मैं ही नहीं होता तो ये समय सार को कौन जानता, कौन समझता, क्या है दुनिया, क्या है तत्व, क्या है द्रव्य, कुछ समझ में नहीं आता। अगर जाननहारा नहीं होता, ज्ञायक नहीं होता, तो ये पदार्थ पड़े हुए हैं कौन जानता। सारी महिमा ज्ञाता की है, सारी महिमा ज्ञायक की है। ज्ञाता कहो, ज्ञायक कहो, ध्रुव तत्व कहो, चेतन आत्मा कहो, एक ही बात है, वो मैं हूँ समय। मैं कौन हूँ, समय हो। कई बार आपने नाटिकाएं देखी होगी, उस नाटिकाओं में सबसे पहले भूमिका अदा करने के लिए आता है कोई, कहता मैं समय हूँ। समय का मतलब क्या है, क्या समझते हैं आप, आत्मा। आत्मा का अर्थ क्या समझते हैं। माता जी हमें आत्मा के नाम से बहुत भय लगता है, कोई आत्मा की चर्चा ना करे, अगर रात को करे तो हम तो सो ही नहीं पाते, हमें बहुत डर लगने लगता है, करवटे बदलते हैं और काया पापड़ सिकती सी लगती है, बड़ी पीड़ा होती है, नींद नहीं आती है, भयावना और डरावना दृश्य सा लगने लगता है। क्यों, क्योंकि आत्मा की बातें सुन ली है। कैसी बातें करते हो, आत्मा की बात करने से, आत्मा में रमण करने से तो निर्भय हो जाता है, और तुम कहते हो कि मैं भयभीत हो जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि अभी तुमने आत्मा को सही तरीके से समझा ही नहीं है। जो अपने आप को न समझे, दुनिया को समझाने की और समझने की बात करे, उसकी जिंदगी तो ऐसी है कि दिया तले अंधेरा।
दिया तले अंधेरा, दिया सबको प्रकाशित करता है लेकिन उसके तल में अंधकार रहता है। उसी तरह से बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो ना, हाँ दूसरों को कहते हो अरे भाई तेरे जैसे कई देखे मैंने, कईयों को जानता हूँ, बहुत समझता हूँ, सबको जानता हूँ। हाँ बड़ी बड़ी बातें करते हो, सबको जानते हो, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सबको जानते हैं तो आप ही सर्वज्ञ हो गए। कुछ नहीं जानते, जो अपने आप को जान लेता है वो कभी ये नहीं कहता कि मैं सबको जानता हूँ। ये उसका प्रूफ है, ये प्रमाण है उसका। हमारे तीर्थंकर प्रभु नहीं बोलते कि मैं सबको जानता हूँ, कहने की कतई आवश्यकता नहीं है। जो ध्यान करता है वो ये नहीं कहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। अगर वो ये कह दे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ तो यकीन मानिएगा कि वह ध्यान कर नहीं रहा है, सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, अगर ध्यान करने वाला ये कह दे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ तो कैसा ध्यान कर रहा है? अगर एक बार पागल व्यक्ति ये कह दे कि मैं पागल हूँ तो समझ लेना कि वो पागल व्यक्ति ठीक हो चुका है। पागल व्यक्ति अगर अपने आप को जान ले कि मैं पागल हो गया हूँ तो निश्चित समझना कि वो अब ठीक हो गया है, क्योंकि पागल व्यक्ति अपने आप को कभी पागल नहीं कहता। हम एक नगर में पहुंचे थे, मध्य प्रदेश की बात है, वहां 18 व्यक्ति ऐसे ही थे, एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके थे, सब अलग अलग तरह के थे, पर मंदिर 18 के 18 आते थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता था कि 18 को लोग पागल कहते हैं, इनको पागल कहूँ या कि जो घर में पड़े बैठे हैं इधर उधर की बातें कर रहे हैं उनको पागल कहूँ, किसको पागल कहूँ। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के पहले 6 बातों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। पहला है मंगल, मंगल यानी मंगलाचरण। मंगल शब्द स्वयं ही कह रहा है, मंग यानी पाप को, गल यानी गला दे, उसका नाम है मंगल। मम यानी पाप को, गल यानी गला दे, उसका नाम है मंगल। आपने देखा होगा बच्चा जैसे ही बोलना शुरू करता है वो मम 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 शुरू कर देता है, और माता पिता भी कहते बेटा मम खा लो, मम से ही शुरुआत करते। मम यानी ममता, मोह रूपी अंधकार, पाप, पाप से ही आप शुरुआत कराते हैं। मम बेटो, मम बोलो, मम बोलो, मम खाओ, क्या है ये? पानी पीने के लिए भी कहते मम पियो, हद हो गई। मोह खाओ, मोह पियो, मोह ही ओढ़ो, मोह ही सब कुछ। अनादिकाल से मोह कम था जो तुमने और मोह की बातें करना शुरू कर दी, और वो शुरुआत करता मम मम से ही शुरू करता है। माँ बाप खुश हो जाते हैं, मेरा बेटा बोलने लगा है। अरे बोलने क्या लगा है, वह तो मोह की चादर लपेटे हुए अपने आप को घोर अंधकार में ले जा रहा है, तुमने सिखाया है। इसीलिए आचार्य कहते हैं पहले मंगलाचरण करना सीखो। मम यानी पाप को, गल यानी गला दे, उसका नाम है मंगल। दूसरा पॉजिटिव, इसका बहुत अच्छा अर्थ दिया है, मंगम सुखम लाति इति मंगलम। जो सुख को दे, शांति प्रदान करे, उसका नाम है मंगल। इसीलिए जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो आप मंगल करते हैं। मुझे बात समझ में नहीं आती, लोग विवाह करते हैं तो उस वक्त भी कुछ करते हैं ना, मंगल मंगल करते हैं ना आप लोग? हाँ, पहले मंगल करो, अच्छा होना चाहिए, फिर भी इतने बर्बाद हो रहे हैं। हे भगवान, अगर मैं आपसे पूछूं शादीशुदाओं से तो आप यही कहोगे माता जी आप तो अब यही सबको आशीर्वाद दे दो, जो बच्चे हैं उनका जीवन संवर जाए, कोई सार नहीं मिला। सोचा था कि 1 से 2 हो जाएंगे तो शायद जीवन में सुख मिल जाएगा, लेकिन सुख होता तब तो मिलता ना, एक दुखी था ही, उसने सोचा कि एक और कोई आ जाए तो शायद जीवन सुखमय हो जाएगा। पर गणित तो गणित ही होता है ना, एक दुखी प्लस दूसरा दुखी इज इक्वल टू डबल दुखी, डबल दुखी हो गए। एक तो दुखी था ही, दूसरा और दुखी आ गया, डबल दुखी हो गए, सुख नहीं हो सकता। अध्यात्म शास्त्र का सूत्र है, जितना पर को जोड़ोगे उतना ही दुख पाओगे, और जितना पर से छूटोगे निज में रमोगे अनंत सुख को पाओगे, ये सिद्धांत है। इसलिए माँ जिनवाणी कहती है, और तुझे अंतर में शांति मिलेगी, सुख कली खिलेगी, के पर में कहीं शांति नहीं,
के पर में कहीं शांति नहीं। शुद्धात्म को निरख ले सब भ्रांति टलेगी, सुख कली खिलेगी, के पर में कहीं शांति नहीं। आ तुझे, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, रतलाम में लिखी थी जब शरीर अस्वस्थ था, एक करवट नहीं बदल सकते थे, चीख उठे, इतनी भयंकर वेदना थी 3 महीने तक। तब मैंने सोचा, प्रभु आपका दिया हुआ समय सार है ना, इस शरीर में वेदना है, मुझ में नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आनंद से जीऊंगी। उन क्षणों में लगभग 20-25 भजन बनाए थे, बड़ा आनंद आता था, और शरीर से पृथक भाव रखने का एक बहुत बड़ा साधन था। ये अंतर की पंक्तियां हैं, आप भी गुनगुनाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। भावों से आ तुझे अंतर में शांति मिलेगी, सुख कली खिलेगी, के पर में कहीं शांति नहीं। हे चेतन, अपने उपयोग को पर में मत ले जाना, इस तन में भी ले गया बड़ा दुखी हो जाएगा, मत ले जा, पर में कहीं शांति नहीं। शुद्धात्म को निरख ले सब भ्रांति टलेगी, सुख कली खिलेगी, के पर में कहीं शांति नहीं। अहो जिन शासन सतपथ दिखला दिया, कहीं मत जा चेतन, भटकन ही भटकन है, सीधा स्ट्रेट वे अपने भीतर में आ। जिन शासन से उपाय जीव बोलते हैं ना, जिन शासन को सेवन करके कई जीव सिद्धालय की ओर चले गए। अगर तुझे भी शाश्वत सच्चा सुख पाना है तो अपने भीतर की ओर दृष्टि कर, अंतर सुख मिलेगा। तो सबसे पहला है मंगलाचरण। मंगलाचरण में कुंद कुंद स्वामी ने आज से 2000 वर्ष पूर्व किसको नमन किया? सब सिद्धे, सभी सिद्धों को। आप किसको नमन करते हो बोलो ना। माता जी हम तो सबको नमन करते हैं, जहाँ जाते हैं जो मिल जाए उसी को नमन कर लेते हैं। जब दुकान जाते हैं तो पहले दुकान को जय दुकान जी, जय दुकान जी, जय दुकान जी। दरवाजा खोलते हैं, जय दरवाजा जी, जय द्वार जी, जय हो, जय हो, जय हो। फिर अगरबत्ती करते हैं सारे कपड़ों की, और जैसे ऐसे प्रवेश नहीं करते माता जी हम, हाँ दुकान में ऐसे प्रवेश नहीं करते, जय हो निश्चही निश्चही निश्चही, धन्य भाग्य तुम्हारे, दुर्भाग्य है तुम्हारे जो मिथ्यात्व का घोर पोषण कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? ऐसे करके फिर अंदर जाते, फिर लाइट चटकाते बटन, जैसे ही हाँ ऑन करते हैं तो फिर हम जय हो भगवान, जय हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। करते हो कि नहीं करते हो? तराजू के सारे कपड़ों की, बर्तन जो भी हैं, सब सब अगरबत्ती कर दो, अच्छे से बिक जाना तुम, अच्छे से बिक जाना बर्तन, अच्छे से बिक जाना। हे भगवान क्या हो रहा है ये घोर मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व के घटा टोप अंधकार में भूल गए, भटक गए तुम, आओ वापिस, बहुत बेक में चले गए हो। ध्यान रखना, जितने विपरीत मार्ग में मंजिल से दूर जाओगे सफर उतना ही लंबा हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए लौट करके आओ, ये मिथ्यात्व को दूर करो। अगर केवल ज्ञानी की तुमने पूजा आराधना कर ली होती तो ये मिथ्यात्व में भटकना ही नहीं पड़ता तुम्हें। आधा घंटा पहले आ जाओ, करो नेमिनाथ भगवान की यहाँ पर भक्ति, आधा घंटा पहले आ जाओ, करो भगवान का यहाँ पर शांति धारा पूजन अभिषेक करो, क्या आनंद उमड़ता है जब भगवान के ऊपर से वजन की धारा जाती है। प्रभु मुझ में भी ज्ञान की धारा बह रही है, कर्म की धाराएं समाप्त हो रही हैं, अहो आनंद कितना अच्छा लगता है।
ये विशेष भावों की उत्पत्ति होती है। अगर साथी से पुण्य बंध करना है तो आज तो नहीं आए, पहला दिन था, कल से आप लोग भी आइएगा। और यहाँ पर वस्त्र की व्यवस्था है, आकर के भगवान की भक्ति करिएगा, हम बताते जाएंगे आपको। आपको तो अंदर में उतरना है, ऊंडाई में उतरना है, गहराई में उतरना है। तुम्हारे भीतर में अनंत गहराई है, अनंत गहराई है, आज तक कभी गए ही नहीं। डर लगता है माता जी, बहुत डर लगता है गहराई में उतरने से, दुनिया की गहराइयों में उतरने से डर लगेगा, लेकिन भीतर की गहराई में उतरेगा तो चेतन अपने केवल ज्ञान को प्रकट कर लेगा। फिर ये बाहर की लाइट जलेगी तो तू हाथ नहीं जोड़ेगा, ये देहरी को तू ऐसा ऐसा नहीं करेगा, अपना माथा नहीं फोड़ेगा, हर जगह पर अपना माथा नहीं टेकेगा। कहा है ना, वह दर दर नहीं जहां सर न झुकता हो, वह दर दर नहीं जहां सर न झुकता हो, वह सर सर नहीं जो वितरागता के दर पर न झुकता हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, प्रवीण कुमार जैन, मनीष आशीष नितिन, फर्म जैनम ग्रुप अहमदाबाद, निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मा सिमती 2023, सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023, सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, प्रवीण कुमार जैन, मनीष आशीष नितिन, फर्म जैनम ग्रुप अहमदाबाद।